hello my dear students hope you all are well so in our previous lecture we discussed about unit system we discussed about what is measurement what is unit what, what kind of unit systems we have right i told you seven basic unit system in case of si and two supplementary unit remember okay सो टू सप्लीमेंट्री यूनिट वॉट आर टू वॉट आर दोमेंट्री यूनिट्स फर्स्ट वन इज रेडियन एंड सेकेंड वन इज स्टे रेडियन ओके स्टे रेडियन भी बोलते हैं बहुत लोगों से ओके okay? सो so, today आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रैक्टिकल यूनिट which usually वी यूज इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकल यूनिट्स बेटा प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हमारे पास कई टाइप की होती हैं फॉर मैक्रो लेवल बड़ी बड़ी चीजें आपको मेजर करनी है उसके लिए कौन कौन सी यूनिट्स होंगी छोटी छोटी अटामिक लेवल पर अगर आपको कोई चीज़ यूज करनी है अटामिक लेवल पर आप कैसे मेजरमेंट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर एस्ट्रोन सपोज आपको कोई प्लान की डिस्टेंस मेजर करनी है वो कैसे करते हैं तो उसके लिए क्या सिंपल हम मीटर किलोमीटर ये यूज़ करेंगे नो no. या कोई और यूनिट भी यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो वो आज हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू इट

एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो यूनिट होती है वो वैल्यू होती है डिस्टेंस की कौन सी वैल्यू इट इज़ द डिस्टेंस अब सुनो इसकी डेफिनेशन ध्यान से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस ऑफ कौन सी डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड विच वी रिप्रेजेंट बाय ए यू ए यू ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.496 पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन टू दार इलेवन मीटर इन जनरल हम इसे वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पार इलेवन मीटर यूज करते हैं ओके सो दिस इज वॉट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है इट इज द डिस्टेंस इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड वैल्यू इज वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पार इलेवन मीटर गॉड इट चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइट ईयर नाम से लग रहा है ना कुछ टाइम की यूनिट होगी ईयर नो इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम इट इज अगेन दूनिट ऑफ डिस्टेंस ठीक है ना वॉट इज लाइट ईयर लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस इट इज द लाइट ईयर क्या चीज होती है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट लाइट ईयर है ना तो ये वो डिस्टेंस है जो कौन ट्रेवल करेगा लाइट ट्रेवल करेगी लाइट ट्रेवल करेगी किसमें वैक्यूम में और कितने समय में कितने टाइम में वन ईयर के अंदर ये वो डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर कितने टाइम में एक साल के अंदर एक साल में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं हम लाइट ईयर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर एंड द वैल्यू इज नाइन पॉइंट फोर सिक्स इन टू टेन टू दिफ्टी मीटर एंड वी यूजली रिप्रेजेंट बाई एल वाई लाइट ईयर एल वाई इसको हम ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोनोमिकल यूनिट को ए यू से एंड लाइट ईयर को एल वाई से नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट है पारसेक पी ए आर एस ई सी ये इकट्ठा वर्ड नहीं है यह है पैरालेप्टिक सेकेंड पैरालेक्टिक सेकेंड फिर से हमें लग रहा है तो कुछ टाइम का सम टाइम से मिलता है, जुलता कुछ लग रहा है नो अगेन इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम इट इज़ अगेन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस अब कैसे इसका क्या मीनिंग है पारसेक क्या चीज़ है पैरालेक्टिक सेकेंड क्या चीज़ है इसको अब थोड़ा सा हम समझते हैं होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा नहीं लिखा है तो एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज करिए और इसे लिखिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है लाइट एयर क्या होता है और पारसेक क्या होता है पारसेक क्या है पारसेक होता है थ्री पॉइंट वन इंटू टेन टू दार सिक्सटीन मीटर के इक्वल अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पारसेक है क्या चीज ठीक है ये तो आपको समझ में आया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है बिल्कुल समझ में आया लाइट ईयर क्या है समझ में आया सेकंड क्या चीज है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं इसकी वैल्यू है थ्री पॉइंटीन मीटर ओके चलिए अब मैं आपको एक बार पहले पार्सिक एक्सप्लेन करती हूं देन विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्म बेसिकली

इस सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बन रहा है इस सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बन रहा है और ये एंगल कौन बना रहा है एक आर्क बना रही है ये ए भी एक आर्क है अगर इस आर्क की वैल्यू अगर इस आर्क की डिस्टेंस इस आर्क की लेंथ वन ए यू के बराबर है कितनी वन ए यू के बराबर वन ए यू के बराबर की आर्क अगर किसी एक सर्कल के सेंटर पर वन सेकेंड का एंगल बनाए अभी ये एंगल वाले टर्म अगर आई डोंट थिंक ये आपको बताई है नहीं बताइए कोई बात नहीं अभी एक्सप्लेन करती हूं आपको मैं वन सेकेंड का एंगल अगर वन ए यू के बराबर की आर्क वन सेकेंड का एंगल बना रही है सेंटर ऑफ सर्कल पर इस समय पर ये जो रेडियस होती है ना बेटा ये रेडियस इसी रेडियस को बोलते हैं हम पैरालेक्टिक सेकेंड बात समझ में आई जब 1 ए के बराबर की आर्क मतलब 1 एयू मतलब 1.5 पॉइंट फाइव टेन टू दी पार इलेवन मीटर इतनी बड़ी आर्क अगर किसी अब सो, सोचो अगर इतनी बड़ी आर्क है तो वो सर्कल कितना बड़ा होगा राइट मैक्रो लेवल की बात हो रही है तो अगर इतनी आर्क सेंटर पर किसी सर्कल के सेंटर पर वन सेकेंड का एंगल बनाए वन सेकेंड का एंगल बनाए तो इस रेडियस को जैसे अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो इसे निकाल भी सकते हैं थीटा क्या होता है थीटा होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस है ना थीटा होता आर्क अपॉन रेडियस आर्क हमने कितनी ले ली वन ए यू डिवाइडेड बाय ये रेडियस हमको पता नहीं है ये तो हमें निकालनी है ठीक है और एंगल कितना है वन सेकेंड तो रेडियस विल बी इक्वल टू वन ए यू डिवाइडेड बाय वन सेकेंड अब वन सेकंड की वैल्यू पुट कर दीजिए वन ए यू की वैल्यू हमको पता ही है वी विल गेट द वन रेडियस ऑफ दैट और रेडियस कितनी है इसी रेडियस को हम क्या कह रहे हैं पार्ट से हमारा आंसर यहाँ से निकल के क्या आने वाला है थ्री पॉइंट वन टेन टू दार सिक्सटीन मीटर करके देखिएगा ट्राई करके देखिए अभी मैं बताती हूँ वन सेकंड का क्या मीनिंग होता है ठीक है नीचे मैंने लिखा भी है इसको अभी बता रही हूं एंगल का बताती हूँ ये क्लियर हो गया सभी को ठीक है चलिए पहले मैं आपको एंगल बताती हूँ फिर हम इसकी माइक्रो यूनिट के ऊपर आएंगे एंगल में बेटा एंगल में क्या होता है एंगल में ध्यान से समझना हम जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो आप देखते हैं ना हम एंगल डिग्री में लिखते हैं इन जनरल वन डिग्री वन डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन ये चीज तो हमें नहीं पता है अब देखिए आप देखते हैं कई बार हम एंगल को पाई में टू पाई में ऐसे भी लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है पाई होता है रेडियन के टर्म में पाई होता है रेडियन के टर्म में पाई रेडियन पाई रेडियन किसके इक्वल है वन डिग्री के इक्वल है तो वन रेडियन किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई तो वन रेडियन जो आपका आ गया वन रेडियन होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई एंड इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22 ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड इफ़ यू पुट द वैल्यू यू विल गेट 57.7 डिग्री ये वन रेडियन के बराबर आ गया ठीक है ये हो गया एक तो ये चीज़ बतानी बहुत जरूरी थी आपको उसके बाद वन डिग्री क्या चीज़ होती है वन डिग्री इज इक्वल टू मिनट 60 मिनट minute. 60 मिनट ये भी हमारी एंगल की यूनिट होती है वन मिनट मिनट कैसे लिखा जाता है वन ऊपर एक डैश लगाएंगे सिक्सटी सेकेंड ये भी हमारी एंगल की यूनिट होती है अब सिक्सटी सेकेंड इसको ऐसे नहीं ये जो डबल डैश हमने लगा दिया ना ये इट्सल्फ हमारा सेकेंड को शो कर रहा है जो सिंगल डैश लगा दे, ये इट मिनट को शो कर रहा है लिखने की जरूरत नहीं होती ठीक है थेके? तो क्लियर हो गया एंड uh, अब वन डिग्री सिक्सटी मिनट का और वन मिनट सिक्सटी सेकेंड के इक्वल होता है ठीक है अब मुझे क्या चाहिए वन सेकेंड का एंगल अब वन सेकेंड का एंगल अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री को कन्वर्ट करना है तो ईजिली हम कर सकते हैं समझ में आ गई बात ठीक है जैसे एक डिग्री साठ मिनट के बराबर होगी एक मिनट साठ सेकेंड के बराबर होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जब भी कन्वर्जन करना तो आप इस कन्वर्जन को ईजिली कर सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया अब आपको एक क्वेश्चन भी देंगे जब आपको वर्कशीट दी जाएगी तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन कि कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं देखिएगा इसको ठीक है ये क्लियर हो गया सभी को चलिए अब हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म पे आते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है ये हमने डिस्टेंसेज की बात की है अभी डिस्टेंसेज की बात की फिर हमें बीच में मैंने आपको एंगल भी बता दिया अब डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं बेटा आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे माइक्रो लेवल पर जो यूनिट्स हमारी यूज होती है डिस्टेंस की वो कौन कौन सी होती है माइक्रोन इसको हम यूजुअली माइक्रो बोलते हैं माइक्रो एन नहीं बोला जाता इन जनरल माइक्रोन जो होता है वो होता है टेन टू दि पार माइनस सिक्स मीटर टेन टू दि पार माइनस सिक्स का मतलब समझिए जीरो पॉइंट जीरो 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 पांच जीरो लगा के फिर एक कितनी छोटी वैल्यू है माइक्रोन कहीं पे मेजरमेंट करनी है और आपको माइक्रोन लेवल माइक्रोन लेवल ये बेटा बहुत छोटी वैल्यूज होती है हमारी यूज करने के लिए फिर उसके बाद हमारा आता है नैनोमीटर नैनोमीटर का मतलब होता है टेन टू दाइनस नाइन मीटर एंगस्ट्रॉम टेन टू दार माइनस टेन मीटर आ, फर्मी टेन टू दाइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है तो ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है और ये चीज आप ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत बार हम लिस्ट हम लोग जो है इसको यूज करने वाले हैं ठीक है थीके? ये माइक्रो लेवल हो गई किसकी डिस्टेंस की दे आप देख रहे हैं पीछे मीटर लगा है सभी के पीछे अच्छा एक चीज और आपको ये इस वाले भी चीज में इसमें मैंने आपको नहीं बताया मैक्रो के केस में मैक्रो के केस में बेटा कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है वर्कशीट में भी आपको वो क्वेश्चन मिलेगा देखना आप एक क्वेश्चन आता है वॉट इज द रिलेशन बिटवीन वट इज द रिलेशन बिटवीन वापस एक बार मैं इस टॉपिक पे आ रही हूं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन सपोज मैं बोलू एंड पार्सिक सपोज मैंने बोला ए यू और पार्सिक के बीच का रिलेशन निकालिए अगर आपको इस तरह का या ऐसे भी आ सकता है एयू और ईयर का रिलेशन निकालिए ईयर और पार्सिक का रिलेशन निकालिए तो ईजिली आप निकाल सकते हैं एक मैं बताती हूँ बाकी दो आप ट्राई करिएगा जैसे ए यू ए यू की वैल्यू होती है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दार इलेवन मीटर है ना वन ए यू वन एस के बराबर होता है और वन पारसेक जो होता है वन पारसेक जो होता है वो होता है थ्री पॉइंट वन इंटू टेन टू दार सिक्सटीन मीटर के बराबर अब आप यहाँ से क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप सिंपली एक में से मीटर की वैल्यू निकाल लीजिए सपोज मैं इधर से निकाल रही हूँ ए यू को यूज़ करिए ए यू को अगर मैं यूज़ करती हूँ तो वन मीटर की वैल्यू आ गई वन ए यू डिवाइडेड बाय पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दार इलेवन है ना अब क्या करिए इस मीटर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए यू विल गेट द रिलेशन इन बिटवीन पार से कैंड ए यू इसको इसको उठाइए इसको उठाइए और यहाँ पर पुट करिए सो वॉट यू विल गेट थ्री पॉइंट वन इंट दार सिक्सटीन इंटू वन एडेड बाय वन पॉइंट फाइव इंट टेन टू दार इलेवन इसे सॉल्व करिए यू विल गेट क्या रिलेशन जो आएगा आपका किस किसके बीच में आ जाएगा फिर यू विल गेट द रिलेशन इन बिटवीन इन बिटवीन ये हमारा क्या एयू में आ रहा है और ये हमने किस में पुट किया पारसेक की वैल्यू में तो वन पारसेक इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू इजिली यू कैन गेट ठीक है इसको एक बार करके देखिएगा कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालना या डायरेक्टली पूछना ठीक है क्लियर हो गया सभी को ओके okay. ना ये चीज़ें क्लियर हुई माइक्रो वाली केसेस क्या के, है माइक्रो में यूनिट कैसे लिखते हैं किसकी है ये डिस्टेंस की यूनिट है। अब जो मैं आपको बता रही बेटा मास के लिए कौन कौन सी यूनिट की जा यूज की जाती है आप लोगों ने मैथ्स में किया भी है आ, एट नाइन्थ में टेंथ में भी आपने यूज किया होगा मास के लिए वन टन इज इक्वल टू तो थाउजेंड ग्राम थाउजेंड किलोग्राम क्विंटल हंड्रेड किलोग्राम किलो एक होता है बेटा स्लग स्लग ये यूनिट शायद ही आपने यूज की होगी लेकिन अब आपको पता होना चाहिए स्लग जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फाइव सेवन किलोग्राम 14.57 किलोग्राम एल बी इज पॉइंट फोर फाइव किलोग्राम एल बी एल बी एस आपने सुना होगा एल बी एस वेट के लिए यूज किया जाता है पाउंड उसी का है ये शॉर्ट फॉर्म एल बी एस इसको लिब्रा बेसिकली लिब्रा होता है लिब्रा का शॉर्ट फॉर्म एल बी बोलते हैं ठीक तो है pound. तो बेसिकली इन जनरल पाउंड है ये पाउंड तो पाउंड जो हम मास के लिए यूज़ करते हैं उसको एल बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट एल बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर फाइव थ्री सिक्स किलोग्राम एक होता है सी एस एल सी एस एल वाट इज सी एस एल कई बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जनरल स्कूल एग्जाम में हाँ, बहुत बहुत बार टीचर्स पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चों को इन जनरली नहीं पता होता है सी एस एल सी एस एल का मतलब होता है बेटा चंद्रशेखर लिमिट चंद्रशेखर फिजिक्स के बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं तो सी एस एल दैट इज चंद्रशेखर लिमिट चंद्रशेखर लिमिट जो होता है वन पॉइंट फोर टाइम्स द मास ऑफ सन मास ऑफ सन का 1.4 टाइम्स ये हमारा क्या होता है मास की यूनिट्स हो गए उसके बाद मास मास की ही माइक्रो यूनिट देखो एक तो बड़ी बड़ी है देखो थाउजेंड किलोग्राम हंड्रेड किलोग्राम फोर्टीन किलोग्राम ये भी पॉइंट फाइव फोर फाइव किलोग्राम ही है ये फोर वन पॉइंट फोर टाइम्स द मास ऑफ सन बहुत बड़ी बड़ी यूनिट अब यहां आ जाओ जरा नीचे माइक्रो लेवल पर माइक्रो लेवल पर जो मैं यूनिट आपको बता रही हूँ बेटा पहला है ए एम यू ए एम यू अटोमिक मास यूनिट अब ये एटम लेवल की बात एटम एटम बहुत छोटा सा होता है, ना? तो जब हम Atom की बात करते हैं तो एटम की जो वैल्यू है वो है एटॉमिक मास यूनिट एक लगाना है आपको सोचिए कितनी, कितनी कम वैल्यू इतना किलोग्राम कैरेट टू मिलीग्राम कैरेट कैरेट बहुत बार सुना होगा आपने गोल्ड के केस में, है इतना करेट, तो करेट 200 मिलीग्राम तो के इतना कैरेट का तो ये हमारा वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन टू दी पॉइंट माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम और कैरेट हो गया हमारा 200 मिलीग्राम के इक्वल क्लियर हो गया भाई सभी को इट वन कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम कई बार वन मार्क में क्वेश्चन आ जाता है ठीक है ये चीजें हमारी क्लियर हो अब हम आते पहले हमने डिस्टेंस की बात की डिस्टेंस का मैक्रो फिर डिस्टेंस का माइक्रो फिर मास का मैक्रो मा मास uh, का माइक्रो अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ टाइम के केस के लिए टाइम की जनरल तो आपको सभी को पता होगी आर मिनट सेकंड सभी को पता होती शेक कभी नहीं सुना होगा शेक ये भी टाइम की यूनिट होती है दिस इज इक्वल टू टेन टू दर माइनस एट सेकेंड लूनार मंथ सभी को पता है लुनार मंथ ये आप लोग करते हैं ज्योग्राफी में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है ये चीजें लूनार मंथ क्या होता है जब Uh, जो हमारा मून है अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे सोलर ईयर सन अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। सोलर डे सन का ट्वाइस इन अ डे मेरेडिन को पास करना दैट इज़ कॉल्ड सोलर डे ठीक है तो ये चीज़ें हो गई हमारे टाइम के लिए ये चीज़ें आपको बाकी टाइम की पूरी जो डिटेलिंग है वो आपको पता ही है देर इज़ नो नीड टू टेल अगेन एंड अगेन आर क्या होता है एक घंटा बेसिकली कितने मिनट्स के बराबर है मिनट क्या है सेकेंड क्या है ये सब यूनिट्स बताने की जरूरत नहीं है ये वो यूनिट्स हैं इन जनरल जो आप लोगों ने नहीं सुनी होती हैं ठीक है लूनान मान सोलर ईयर सोलर डे आपने सुना है ज्योग्राफी में बट ठीक है समटाइम वी नीड इन दिस इन केस ऑफ न्यूमेरिकल अदरवाइज नो नीड वैसे तो बहुत बहुत कम हम यूज़ करते हैं इसको ठीक है क्लियर हो गई ये हमारे बेटा प्रैक्टिकल यूनिट्स थी सारी जो कभी भी मेजरमेंट में काम में आती हैं जब हम मेजर करते हैं कोई चीज़ ठीक है चलिए जब हम बात ही मेजर 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 कर रहे हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की मेजरमेंट किसकी मेजरमेंट आज हम जो बात करेंगे बेसिकली बेटा हम बात करेंगे डिस्टेंस के मेजरमेंट की ठीक है डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करना है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं डायरेक्ट मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है ठीक है दोनों ही आपको बताती हूँ मैं ठीक है चलिए जी तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं दैट वी विल लर्न नाउ ओके डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बेटा हमारे पास दो मेथड हैं वन इज़ डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज़ इनडायरेक्ट मेथड ठीक है method, तो डायरेक्ट मेथड तो हम सभी को पता है अभी सभी बच्चों ने मेरे हाथ में एक चीज़ देखी होगी दैट इज स्केल है ना मीटर स्केल सभी ने देखा होगा राइट ओके तो वापस मैं वही मीटर स्केल उठा रही हूँ दिस इज वन ऑफ द मेथड टू मेजर द डिस्टेंस दिस इज स्केल दिस इज मीटर स्केल बेसिकली हमारा सेंटीमीटर स्केल है इन जनरल हम इसको जो सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं बट यूजअली जो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको मीटर स्केल कहा जाता है मीटर स्केल का मतलब होता है जो मीटर में डिस्टेंस को मेजर कर सके अब हमारा फिलहाल ये जो हमारा स्केल है थर्टी सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस मेजर कर पा रहा है राइट ओके सो इसके अलावा भी कोई और स्केल होता है येस yes, होता है ये हमारे डायरेक्ट मेथड है पहला मेथड जो हमारा है डिस्टेंस को मेजर करने का डायरेक्ट मेथड कौन सा है डायरेक्ट मेथड टू मेजर टू मेजर डिस्टेंस पहला हमारा है मीटर स्केल जो अभी मैंने आपको दिखाया दिस इज मीटर स्केल सभी ने देखा है दूसरा हमारा होता है बेटा वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स और तीसरा जो हमारा स्केल होता है दैट इज स्क्रॉस ठीक है ये दोनों स्केल अभी आप एलिवंथ क्लास में आप स्कूल में देखेंगे आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे वन ईयर स्केल स्क्रू गॉज का वन ईयर स्केल जो होता है आपको याद रखने के लिए बता दें जो मीटर स्केल होता है ये हमारा पॉइंट के बाद जैसे 5.1, 5.2, 5.3 इस तरीके से डिस्टेंस को मेजर कर सकता है सिमिलरली ये पॉइंट के बाद अगर वन डिज़िट देता है तो वन ईयर हमारा पॉइंट के बाद टू डिजिट देता है और स्क्रूवर्स हमारा पॉइंट के बाद थ्री डिजिट देता है ठीक है ये डिजिट तो इसे इन तीनों में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा सिंपल सी बात है जो पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट तक बता पाएगा

एक बात बताइए मुझे एक स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है सपोज आप क्या इस स्केल की हेल्प से क्या आप वो स्टार की डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे नो नेवर दैट इज बेसिकली डायरेक्ट मेथड अब हमें उसके लिए चाहिए इनडायरेक्ट मेथड चलिए भाई अब इनडायरेक्ट मेथड सीखते हैं ऐसा कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम अर्थ से लेकर के स्टार तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं चलिए अब हम इनडायरेक्ट मेथड सीखते हैं इन डायरेक्ट मेथड में हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है दैट इज पैरालेक्स मेथड विच मेथड पैरालेक्स मेथड चलिए इनडायरेक्ट मेथड हमारा है बेटा इन डायरेक्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड द नेम ऑफ दैट मेथड इज पैरालेक्स मेथड सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये कि पैरालेक्स होता क्या है ओके okay, चलिए अब आपको पैरालेक्स समझाते हैं सबसे पहले सभी बच्चे एक काम करिएगा अपने बिल्कुल नाक की सीट पे इन फ्रंट ऑफ योर नोज आप एक पेन लेकर आइए इस तरीके से ओके एंड व्हाट यू हैव टू डू जस्ट जस्ट लुक एट मी केयरफुली क्लोज योर आइज लाइक दिस दो फिंगर यूज करिए और अपनी आंखों को बंद करिए ठीक है और बिल्कुल अपने नोज के इन फ्रंट ऑफ योर नोज जस्ट पुट योर पुट वन पेन इन फ्रंट ऑफ योर नोज ओके एंड डू लाइक दिस फर्स्ट ओपन वन आई एंड देन क्लोज इट देन सेकेंड आई एंड देन क्लोज इट फर्स्ट आई सेकेंड आई फर्स्ट आई सेकंड आई फर्स्ट आई सेकेंड आई लाइक दिस एंड यू विल फील कि आपका पेन कभी यहां है तो कभी यहां है कभी यहां है तो क्या कभी है क्या हम पेन पेन को शिफ्ट कर रहे हैं नो no. वी आर नॉट शिफ्टिंग आर पेन बट वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि पेन की जो इमेज बन रही है हमारी आंख के लिए दैट इज शिफ्टिंग हेयर एंड इियर एंड देयर हेयर एंड देयर हिर एंड देर ये जस्ट डू इट एंड ट्राई टू फील इट ठीक है इसको फील करो कि हाँ एक्चुअली ऐसा हो रहा है ओके okay? तो ये जो शिफ्ट हुआ ना बेटा, ये जो शिफ्ट हुआ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट फिर वापस जब हमने दूसरी आंख को बंद किया तो इधर दिख रहा है हमें एक आंख को बंद किया तो इधर दूसरी को बंद किया तो हमें जो ये शिफ्ट दिख रहा है इसी शिफ्ट को बोलते हैं पैरालेक्स हमारे ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में ये एक एरर होता है ठीक है ऑप्टिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज ही एक पैरालेक्स एरर होता है ये हम समझेंगे बाद में तो ट्वेल्थ की चीज़ें हैं अभी हम नहीं बता रहे हैं सिंपल जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज अबाउट पैरालेक्स पैरेक्स इज बेसिकली द रिलेटिव शिफ्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इमेज कहाँ बन रही है ऑब्जेक्ट कहां पर था ठीक है ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है लेकिन उसकी इमेज आपको जहाँ दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं रिलेटिव शिफ्ट इसी शिफ्ट को बोलते हैं पैरालेक्स अब इस पैरालेक्स वाले मेथड को हम यूज़ करेंगे और हम अर्थ से लेकर के स्टार तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे देखना कैसे बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए, यहां पर मैं क्या कर रही हूं यहां पर बेटा मैंने एज्यूम किया सन दिस इज सन और ये है सन का ऑर्बिट ये वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रही है मैं क्या कर रही हूं पैरालेक्स मेथड यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार है बहुत ईजी बस इसको समझ लीजिए थोड़ा सा ठीक है सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टार है दिस इज योर नियर बाय स्टार कोई भी नियर बाय स्टार हम मेजर करना चाह रहे हैं जिसके डिस्टेंस और अर्थ हमारी इस पोजिशन पर है ठीक है ध्यान देना दिस इज ए एंड दिस इज अदर पॉइंट दिस इज बी अब आप इसको एज्यूम करिए ये आपकी एक आंख और ये आपकी दूसरी आंख और ध्यान रखिए जो ये दो दो पोजिशन आप लेते हैं इन दो पोजिशन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस बी ए एस आई एस ठीक है तो इसके लिए मैं एक रफ फिगर बना देती हूँ आपकी पहले ये ठीक है ये आपकी एक आंख थी लेफ्ट वाली आ, राइट वाली और ये आपकी लेफ्ट वाली इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल बी से रिप्रजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिस और ये आपका वो ऑब्जेक्ट है ठीक है क्लियर हुआ ओके okay. चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा सपोज समवेयर हियर यू आर एट पॉइंट बी या चलो इसको ए ले लेते हैं और इसको मैं बी ले लेती हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं और आपको ये ये स्टार को ऑब्जर्व करना है एंड दिस स्टार इज बेसिकली मेकिंग सम एंगल विद दिस पोजिशन इस पोजिशन से कुछ एंगल बनाएगा बिल्कुल बनाएगा एंड यहाँ से आप क्या ले लीजिए एक डिस्टेंस और यहाँ से भी एक डिस्टेंस लेते हैं ठीक है ओके okay. यहाँ पर कोई एक फार अवे स्टार है कोई एक और भी दूर किसी दूर पोजिशन पर स्टार है तो आप क्या करते हैं आपको क्या करना है एक पोजीशन ये हुई आपकी एक पोजीशन ये अभी मैं सिर्फ इसकी इस पोजीशन की बात कर रही हूँ इस पोजीशन पर मुझे इसमें और फार अवे स्टार के बीच में जो जैसे मुझे जो इसका शिफ्टिंग दिख रहा है उन दोनों के बीच में आप क्या करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करेंगे ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसके लिए यूज किया जाता है और इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लिया जाता है दिस इज थीटा वन सपोज ठीक है इसके और इसके बीच में ये एंगल मेजर कर लिया गया दिस इज थीटा वन अगर ये थीटा वन है तो ये दोनों पैरल लाइन्स हैं ये भी हमारा क्या हुआ थीटा वन सिमिलरली आफ्टर सिक्स मंथस अर्थ कहाँ पर होगी आफ्टर सिक्स मंथ अर्थ की जो पोजीशन होगी सन के अराउंड घूमते घूमते ये वो यहाँ पहुंच गई अब ये जो हमारा फार अवे वाला स्टार है ये इतनी दूर है इवन तो हमारा ये जो नियर बाय स्टार है ये भी बहुत दूर है अर्थ से तो अगर हम इस पोजीशन से फिर से मेजर करेंगे फिर भी आपको ये कि वो चीज़ उतनी ही दूर है राइट तो अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो सपोज बेटा आपका ये जो फार अवे स्टार अब यहाँ पर है तो इस फार अवे स्टार का वही चीज़ फिर से आप क्या करेंगे मेजर करेंगे एंगल इस लाइन को सीधा बनाइएगा ध्यान देना है लाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी ठीक है तो ये जो एंगल होगा फिर से हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है समझते हैं टेलीस्कोप दूरबीन सभी ने सुना होगा जरूर देखा भी होगा आप लोगों ने खेला भी होगा दूरबीन के साथ ठीक है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी विल लर्न इन डिटेल इन ट्वेल्थ क्लास अभी सिर्फ आप नाम समझिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है जिससे हम ये एंगल मेजर कर लेते हैं ये हमने एंगल मेजर कर दिया इस और इस स्टार के बीच में ये अगर थीटा टू है बेटा तो सिंपल सी बात है ये दो पैरल लाइन्स हैं तो ये भी क्या होगा थीटा टू होगा ठीक है अब थीटा क्या होता है थीटा होता है बच्चा आर्क अपॉन रेडियस चलिए अब अगर मैं ये हमारा टोटल एंगल कितना बन गया टोटल जो एंगल बन गया आपका आपका टोटल एंगल बनकर तैयार हुआ थीटा वन प्लस थीटा टू एंड एंगल होता है हमारा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ठीक है और एंगल कितना है हमारा थीटा वन प्लस थीटा टू कैन यू टेल मी वॉट विल बी आर्क ये हमारा थीटा वन थीटा टू बनाने के लिए कितनी आर्क भाई? चाहिए हमें ये हमारी आर्क हो गई ये आर्क क्या है भाई ये ए बी ए बी विल बी द आर्क सो ए बी अपॉन रेडियस रेडियस क्या है रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ डिस्टेंस ऑफ अर्थ कहाँ से स्टार से या डिस्टेंस ऑफ स्टार कहाँ से अर्थ से ठीक है तो ये रेडियस तो मुझे मेजर करनी है ये रेडियस मुझे मेजर करनी है इसकी वैल्यू क्या लिख दें हम ए एन लिख दें चलिए हम इसको लिख देते हैं ए एन ए एन लिख लीजिए या बी एन लिख लीजिए एक ही बात है कोई प्रॉब्लम नहीं तो ए एन ये मुझे फाइंड आउट करना है दिस इज ए बी एंड डिवाइडेड बाय थीटा वन प्लस थीटा टू ठीक है देखा जाए तो हमारा रिलेशन निकल के आ गया अगर मुझे ए बी पता थीटा वन एंड थीटा टू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड वी हैव ऑलरेडी मेजर बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थीटा वन थीटा टू पता है आपको सॉरी <coughs> <I'm sorry. coughs> अगर आपको ए बी की वैल्यू पता चल जाए तो यू कैन इजिली फाइंड आउट ए एन राइट अब नाउ यू नो दिस ए बी जस्ट एक मिनट के लिए वीडियो को जरा पॉज करिए जरा सोचिए कि वॉट इज दिस ए बी यू कैन थिंक यू कैन थिंक दिस थिंग की ए बी की वैल्यू क्या होगी आई यू एबल टू गेट आई यू इफ नॉट तो देखो ध्यान से वैसे एक बार सोचिए कि वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी आपको ध्यान है अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल दैट ए यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई थी उस यूनिट को उस यूनिट की जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वो क्या बोली थी वो डेफिनेशन मैंने बोली थी इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मुझे यहां वैल्यू क्या चाहिए बेटा ए बी की चाहिए अर्थ यहां सन यहां अर्थ यहां सन यहां तो क्या मैं इस ए बी को क्या इस ए बी को टू टाइम्स ऑफ ए यू नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं देखिए ये अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी होगी वन ए यू अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी होगी वन ए यू तो ये क्या हो गया ए यू प्लस ए यू टू ए यू

टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द स्टार निकाल लिया हमने ए एन यस ए एन लिखो बी एन लिखो जो मर्जी लिखो एक ही बात है क्योंकि हम सिमेट्री की बात करते हैं कि अर्थ जो है सन के अबाउट सिमेट्रिकल घूमती है क्लियर हो गया ठीक है सिमिलरली बेटा यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून बिल्कुल बाय यूजिंग पैरालेक्स मेथड बिल्कुल सेम मेथड मेथड को यूज करके आप डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून भी मेजर कर सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया सभी को आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू एंड दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड दिस टॉपिक आई मस्ट टेल यू दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम ठीक है एग्जाम में इन जनरल ये टॉपिक पूछ लिया जाता है तो डू इट केयरफुली कि हाउ वन कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार बायजिंग पैरालेक्स मैथड एंड वॉट इज पैरालेक्स मैथड वॉट इज पैरालेक्स आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस लेक्चर जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर एंड डू द रिविजन ऑफ दिस एंड देन डू क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट ओके ओके माई डियर स्टूडेंट टेक केयर ओके बाय